आप कुछ पीएंगी? चल यार फिर एक काम कर, मेरे लिए एक लस्सी ले आप प्लीज। मैं नहीं चाहते हूँ। Welcome to Canolio Hangover Cafe. My name is Confucius Desi and this is my hair gora sa. लग तो गोरा ही है। ये वीडियो बनी है इंग्लिश वाली। ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਾਜੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਨੋਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪਿਓ? ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਗਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੇਂ ਕੈਫੇ ਕੀ ਖਵਾਤੀਨ ਮਾਲਕਨ ਕਾ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਣਾ ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੜਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਕਨੋਲੀ ਬਾਇਕਾਟ ਕਈ ਰੋਜ਼ ਤੱਕ ਟਾਪ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾ ਰਹਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਤਨਕੀਦ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੈਫੇ ਕੀ ਦੋਨੋਂ ਮਾਲਕਨ ਉਜ਼ਮਾ ਔਰ ਦਿਆ ਨੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕੀ ਮਾਫ਼ੀ ਮਾਂਗੀ ਮਗਰ ਸਾਥ ਹੀ ਯੇ ਵੀ ਜਤਾ ਦਿਆ कि उन्हें अपने अमले के साथ खुश सलूकी की सफाई किसी को देने की ज़रूरत नहीं। जिसके बाद कैफे की खवातीन मालकन की सोशल मीडिया सारिफिन ने ऐसी दुर्गत बनाई कि उनको नानी याद आ गई। लोगों ने खवातीन मालकन की ऐसी ऐसी तस्वीरें निकाल ली कि देखें तो कानों को हाथ लगा लें। दूसरी जानिब वसीम अकरम की अहलिया शनीरा अकरम भी मैनेजर ओवेस के हक में मैदान में आ गई। उन्होंने बदतमीज़ दोनों खवातीन मालकन को अंग्रेजी में मुकाबला करने का चैलेंज डाला। सोशल मीडिया सारिफिन ने गरीब ओवेस को दी स्टार ऑफ मैनेजर पाकिस्तान का लकब दिया। यही नहीं, साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के साहबजादे शहबाज तासीर ने तो ओवेस को अपनी कंपनी में जॉब की ही ऑफर कर दी। सोशल मीडिया पर शहबाज तासीर का मैसेज भी खूब वायरल हो गया। दूसरी जानिब ट्विटर पर मैनेजर के हक में इतनी पोस्टें दिखाई दी कि पूरा ट्विटर ओवेस की तस्वीरों से भर गया। किसी ने उसे हीरो करार दिया तो कोई उसे जॉब छोड़ने का मशवरा देता दिखाई दिया। बहुत से लोग तो कैफे मैनेजर ओवेस के साथ तस्वीरें बनाने पर फख्र महसूस करते नजर आए। सिर्फ सोशल मीडिया सारिफिन ही कनोली कैफे की खवातीन मालकन पर भरम नहीं हुए बल्कि पाकिस्तान के फनकारों ने भी वाकये पर शदीद गम व गुस्से का इजहार किया। अदाकार अदनान सद्दीकी ने कैफे मालकन को मुखातिब करते हुए कहा, इस तरह ये लोग ये बताते हैं कि उनका ताल्लुक किस क्लास से है। अदाकार अहमद अली भट्ट ने खवातीन मालकन को तनकीद का निशाना बनाया, कहा जिसने भी आपको अंग्रेजी सिखाई उसने आपको इंसानियत का पहला सबक नहीं सिखाया। उस नशा ने लिखा, जब मैं पाकिस्तान मुंतकिल हुई और स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए उर्दू सीख रही थी तो एक अकलमंद खातून ने मुझसे कहा, अगर तुम पाकिस्तान में रहती हो और पाकिस्तान की मादरी जबान पढ़ और लिख नहीं सकती तो तकनीकी तौर पर तुम जाहिल अनपढ़ हो। सोशल मीडिया पर कनोली खवातीन मालकन की ओछी हरकत पर सारिफिन ने मजाया वीडियोस भी बनाई जिनमें दोनों खवातीन मालकन की खूब इज्जत अफजाई हुई। और इन मजाया चुटकुलों को देखें तो किसी की भी हंसी ना रुके। वो कैसे, चलिए आपको भी दिखाते हैं। Can I take your order, sir? Yes, stuffed English, please. Which accent? American accent. What price, sir? Okay, your order will be served in the next three generations. No problem, sir. Okay. Hola, me llamo Jeremy. I'm from Pakistan. Well then, salam. Me Jeremy. Aap kuch pingi? Chal yaar, phir ek kaam kar, mere liye ek lassi le aap, please. Main nahi chahta hoon. अच्छा, मुझे लगा आप उर्दू बोलते हैं। You're welcome. यार हमारे लोग कितने अजीब हैं। कोई टूटी हुई इंग्लिश में बात करेगा तो उसका मजाक उड़ाएंगे और कोई अंग्रेज थोड़ी सी उर्दू बोल दे पागल हो जाते हैं। शफकत साहब, जी वीडियो बनी है इंग्लिश वाली, उन्दे तुसी की कहोगे? तुहानू इंग्लिश आंदी है? ਬਾਜਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕੁ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਮਰ ਜੇ ਪਨੋਲੀ ਵੋਮੈਨ ਜ਼ੈਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁੜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਐਵੇਂ ਸ਼ੁਗਰ ਲਾਇਆ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਨੋਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚ ਆਰਡਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਈਏ ਯਾਰ? ਕਿਉਂ ਜਨਾਬ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ। ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਦੋ ਦਿਨ ਚ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਬ੍ਰੋ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵੀਡੀਓ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ
जिसमें इस्लामाबाद के एक मशहूर रेस्टोरेंट कनोली की मालिक दो खवातीन ने अपने मैनेजर की अंग्रेजी बोलने का ना सिर्फ इम्तिहान लिया बल्कि उसका मजाक भी उड़ाया था, जिस पर उन्हें पाकिस्तान समेत बैरूनी ममालिक के लोगों ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। And how many classes have you taken for English? I think three. Three years, you mean? No. Three whole courses. 6 months, one class. So a year and a half. You've studied English. Yes, ma'am. So could you please speak to everyone in English and say a sentence? Introduce yourself. Hi, my name is Awais Atab, and I job their manager. And shabash. So this is our manager who's been with us for 9 years. This is the beautiful English he speaks. This is what we paid for. This is and a very good salary, mind you. Thank you. तो दोस्तों, अगर आप भी ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल हरपल टीवी 92 को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मौसूल हो सके।